क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन में 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को, तो क्या करें? अच्छा नीचे देखो, नीचे क्या है 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसे t रेड करता हूँ तो क्या ये x कट नहीं जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये छोटी मोटी चीज़ आपको दिख भी रही होगी अपने आप ही, है ना? नहीं दिख रही है क्या? कोई बात नहीं, दिख जाएगी जब नेक्स्ट टाइम करोगे, दिख जाएगी। लेट कर लो 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 9 का 0 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का 8 एक्स, है ना? फिर x करेंगे तो dx मिलेगा, इक्वल टू में t करेंगे तो dt मिलेगा, तो dx की वैल्यू क्या मिली, dt डिवाइड में यह माइनस भी आएगा, माइनस का 8 एक्स। ओके, अब जो वैल्यूज आई हैं उन्हें पुट कर दो और आंसर निकाल लो। इंटीग्रेट x है तो x लिख दिया, डिवाइड में जो भी है उसे हमने t रेट किया है तो t लिख दो यहाँ पे, यह स्क्वायर था, इनटू में dx की वैल्यू क्या आई है, dt डिवाइड में माइनस का 8x, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया बस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t, इनटू में माइनस 8 भी है तो 1 अपॉन में माइनस 8 लिख दो मल्टीप्लाई में, और dt 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है, तो 1 अपॉन में t का क्या होगा, log mod t होगा, तो जो भी मल्टीप्लाई में वो तो वैसे लिख दो, इनटू में log mod t प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको t की वैल्यू हमेशा की तरह पुट करनी है, तो t की वैल्यू क्या है, माइनस वन अपॉन में 8 log mod के अंदर 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर अब पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ओके okay?